हिंदू मुसलमान बंद होगा क्या? क्योंकि उधर वीएचपी ने भी एक लेटर लिख दिया है उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन को, और उसमें जो वन चाइल्ड पॉलिसी की बात की गई है, यानी अगर एक बच्चा होगा तो क्या क्या फायदे होंगे ये बताया गया है, उसको लेकर उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा कि ये क्लॉज हटा देना चाहिए। ये बीजेपी कह रही है कि हिंदू मुस्लिम बंद होना चाहिए, इससे बड़ी हैरानी की बात और क्या होगी। खैर, उस पर हम नहीं जाना चाहते। हमारा सिर्फ एक ही स्टैंड है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, वहां पे 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। वहां पर अगर जनसंख्या कंट्रोल में होगी तो सबसे पहले तो वहां का पलायन रोकने के लिए इन लोगों को कोई कानून लाना चाहिए, जो हमारे नौजवान साथी अपने राज्य में ही काम करें, अपने राज्य में ही रह के विकास करें। वो सबसे बड़ा आज चिंता का विषय बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा पलायन होते हैं पूरे भारत में और विश्व के देशों में, तो उस पर भी एक चर्चा होने की बहुत आवश्यकता है। और रही बात ये जो सांसद के विवादित बयान की, तो भारतीय जनता पार्टी के भी सांसदों के समय समय पर विवादित बयान आपके चैनलों पर हम देखते रहते हैं। कोई दूध का धुला नहीं है, सिर्फ समय की रणनीति ऐसी बनी हुई है। हमारा दुख खाली यही है कि आज कोरोना महामारी से लड़ने की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। आपको पता है कि फरवरी में चुनाव है, तो आप उस चुनाव को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद तीमम प्रकरण कुछ भी करेंगे, क्योंकि आपकी मास्टरी है उसमें। लेकिन जैसे ही आपके समर्थक दल जैसे नीतीश कुमार जी अगर उस पर कुछ कहते हैं, तब आपको दुख पहुंच जाता है। आपको लगता है यार ये तो अपने घर में बैठ के हम अपने घर को ही नहीं बचा पा रहे, तो दूसरे के घर के बारे में क्या बात करें। तो इन सब चीजों में देश को उलझाइए मत। चुनौती तो दे दी है नीतीश कुमार ने बीजेपी को ये कहकर, क्योंकि आप तंज कस रहे ना सीधे सीधे। अब बीजेपी की सरकारें, राज्य सरकारें ये बिल लेकर आ रही है, जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशें हो रही है, और नीतीश कुमार कह रहे हैं कानून बनाने की तो जरूरत ही नहीं है, जिसको बनाना है बना ले। अफजल अब्बास साहब जी, आप ही से सवाल था। मैंने कहा एक तरह की चुनौती दे दी है नीतीश कुमार ने बीजेपी को। नहीं कोई चुनौती नहीं, बहुत से हम गठबंधन में हैं, एनडीए की सरकार में है, केंद्र में भी है, बिहार में भी है, बहुत से ऐसे मुद्दों पर हम लोग डिफर किया है। तारीख शायद आपने देखा है, आप बड़े पत्रकार हैं, तो हमारी राय अलग हो सकती है आपसे, अलग बात है। हम इंडिया में जरूर हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दों पे भी तो यानी फिर बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा ना भाई। जब माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं होना चाहिए, तो जाहिर सी बात तो वो चाह रहे हैं तो नहीं होना चाहिए। हाँ। नहीं होगा, जब मुख्यमंत्री ही खुद बोल रहे हैं तो हम इसमें हमसे क्या पूछवा रहे हैं आप। चलिए ठीक है, क्योंकि बीजेपी वहां पर आपका सहयोगी दल है, आप दोनों लोग मिलकर सत्ता चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, इसलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद दुबे जी, दीपक झा और अनिला सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। तो कम से कम हम दो, हमारे दो पर हमारी राजनीतिक जमात जो है वो एक हो जाए और इस मुद्दे पर सियासत ना हो, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण वक्त की जरूरत है, ये हर कोई मान रहा है। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।